अरे बीजेपी से और इससे ज्यादा उम्मीद क्या करना है। कलम तो बांट नहीं सकते, नौकरियां बांट नहीं सकते, तो हम लोग कहते ही है तलवार बांटने वाले लोग हैं, रामायण के साथ तलवार बांट रहे हैं, यही बीजेपी का असली चरित्र है। राष्ट्रीय जनता दल को पेट में दर्द क्यों होने लगा? 9 दिन में दुर्गा माता का हम आराधना पूजा करते हैं, उनके हाथों में देखा है त्रिशूल है, खड़ग है, तलवार है, हम इसकी पूजा करते रहे, लेकिन आरजेडी के लोगों में पेट में दर्द क्यों होने लगा? लालू जी जिस समय लगता है कि तेहरान का इमाम आ गए, माथे पर टोकरी लेकर के जाते हैं फुलवारी शरीफ के दरगाह में मुसलमानों के आगे घुटना टेकने के लिए, उस समय उनको पेट में दर्द नहीं होता? बिहार में गिरिराज सिंह और आरजेडी में ठन गई है। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सीतामढ़ी में बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार नवरात्र के मौके पर तलवार बांटने लग गए। इस बात पर आरजेडी आग बबूला हो गई और बीजेपी को तलवार की जगह कलम और नौकरी बांटने की सलाह देने लग गई। आरजेडी का बयान सुनिए और उस पर गिरिराज सिंह का पलटवार भी देखिए। बीजेपी से और इससे ज्यादा उम्मीद क्या करना है? कलम तो बांट नहीं सकते, नौकरियां बांट नहीं सकते, ये तो हम लोग कहते ही है तलवार बांटने वाले लोग हैं। ये बीजेपी के आरएसएस के पाठशाला में यही सिखाया जाता है। अब भला बताइए ये क्या हो रहा है देश में? ये तलवार बांटने वाली संस्कृति वाली पार्टी बीजेपी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी बताए ये क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव जी ने तो कलम बांटने का काम किया, तो यहाँ अब रामायण के साथ तलवार बांट रहे हैं, यही बीजेपी का असली चरित्र है जो सामने आया है, माननीय विधायक जी ने किया है कारनामा। राष्ट्रीय जनता दल को पेट में दर्द क्यों होने लगा? हमारे सनातन हिंदू धर्म में अस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा है। आज दुर्गा 9 दिन में दुर्गा माता का हम आराधना पूजा करते हैं, उनके हाथों में देखा है त्रिशूल है, खड़ग है, तलवार है, हम इसकी पूजा करते रहे। और मैं पूछता हूं, मैं तो एक बात और बढ़ चढ़ के कहता हूं, सभी सनातनी हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि आप दुर्गा की पूजा करें और अपने घर में उनके हाथ में कोई एक अस्त्र की पूजा करें, और आप उसकी पूजा करेंगे अपने घर में रख करके, तो माँ दुर्गा आपकी रक्षा उस अस्त्र के माध्यम से करेंगे और उस धर्म की भी रक्षा होगी और आपकी भी रक्षा होगी समय आने पर। धर्मो रक्षित रक्षिता। लेकिन आरजेडी के लोगों में पेट में दर्द क्यों होने लगा? लालू जी जिस समय लगता है कि तेहरान का इमाम आ गए, माथे पर टोकरी लेकर के जाते हैं फुलवारी शरीफ के दरगाह में मुसलमानों के आगे घुटना टेकने के लिए, उस समय उनको पेट में दर्द नहीं होता? वो हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता? अरे हम तो विज्ञान की बात भी कहते हैं, एक हाथ में विज्ञान और एक हाथ में धर्म, ये धर्म का प्रतीक है और ये हर हिंदू के घर में अस्त्र भी होना चाहिए, अस्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से नवरात्र के मौके पर शस्त्र पूजा और शस्त्र के वितरण पर आरजेडी और गिरिराज सिंह आमने सामने हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।